नमस्कार, हम फिर हाजिर हैं करने दिलों की बातें। यह शिवानी, याद है ना? नमस्ते। अरे वाह। शिवानी के लिए तीन रिश्ते पसंद किए गए। कल वो मिली इंजीनियर ऋषि राज से। ओहो, तो बताइए कैसे लगे हमारे ऋषि मुनि के वचन? आपके ऋषि मुनि के वचन काफी अच्छे थे, उनके विचार काफी अच्छे हैं, मेरे विचारों से मिलते जुलते भी हैं। उनकी जो माता पिता हैं वो भी काफी अच्छे हैं। और छोटी फैमिली जैसे तुम चाहती हो। एग्जैक्टली। तो नर्वसनेस ही होगा नए नए लोगों से मिलने का? हाँ जी, नर्वसनेस तो होता ही है, थोड़ी एक्साइटमेंट भी है। हाँ, अभी दो और लड़कों से मिलना बाकी है, तो कैसे लग रहा है? एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है। ओके, तो चले नीचे चलते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा और मामा जी भी बैठे हैं वहाँ पे, तो उनके पास जाते हैं और दो और लड़कों से मिलते हैं। चलो। हेलो, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बस क्लास बैठे एकदम ठीक। आप कैसे हैं? अच्छा है, बहुत बढ़िया। आज आप सब लोग आए हैं यहाँ लड़का पसंद करने, लेकिन पसंद किसकी होगी? मामा जी की, मम्मी जी की, या डैडी जी की? तो प्रथम शिवानी जी। ये बिल्कुल सही बात है। तो आज एक नया दिन है, एक नई नजर से एक नए लड़के को देखने के लिए एक नया नाम पुकार लीजिए। क्यों नहीं, आज के दिन पहले हम मिलना चाहेंगे दीपक थापर से। दीपक थापर ये साइंस ग्रेजुएट है और वेब एनालिस्ट का काम करते हैं। प्रोफेशन के बारे में बहुत कुछ जानती हैं ये, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ के बारे में देखें। चलिए। मैं एकदम कूल पर्सन हूँ, ऑफिस में मेरे को लोग डी बुलाते हैं और बहुत ही काम किस्म का आदमी, मतलब बहुत शांत। सबसे क्लोज अपनी मम्मी से है। मेरे से कुछ नहीं छुपाता हूँ, जो भी होता है मेरे को आके घर में बता देता है। इसकी सबसे बात अच्छी है लगती है कि इसको अगर आज ही रात को भी कहोगे अगर कोई प्रॉब्लम है, कितनी भी सर्दी हो कैसा भी हो, फौरन जाएगा, डॉक्टर का मेडिसिन का हर चीज का इंतजाम करेगा। सेंसिटिव हूँ, इमोशनल इतना ज्यादा नहीं हूँ, लॉजिक पावर बहुत अच्छी है, मतलब मैं कुछ भी बहुत अच्छा प्लान करता हूँ। 5 साल से सॉफ्टवेयर फील्ड में ही हूँ, प्रोफेशनली मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, झूठ तो बोलता हूँ। ओपन और फ्रैंक लड़की चाहिए, थोड़ी सिंपल और सोबर होनी चाहिए और क्वालिफाइड होनी चाहिए। दीपक अपने आप को ईमानदार बताते हैं, देखते हैं आज अपने दिल का हाल छुपाते हैं या बताते हैं। नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ। शिवानी काफी सूटेबल है अकॉर्डिंगली, जैसा मैं लड़की देख रहा हूँ। माधुरी जी को सुन के बहुत नर्वस हो जाऊंगा। तो बत्तियां बुझा दी जाए, आ रहे हैं दीपक रोशनी लेकर। नमस्ते। नमस्ते। How are you? I'm fine. How are you? नमस्ते। नमस्ते आंटी जी। ये आपके लिए और ये आपके लिए। ये है दीपक की माता जी, ये उनके भाई जॉनी और ये पिताजी। बैठिए। अब एक मेन इंट्रोडक्शन करा दूं। शिवानी, शिवानी ये है दीपक, दीपक ये है शिवानी। अच्छा, आपने देखा मैंने सबको गुलाब का फूल दिया है। मेरे को कुछ दिया नहीं आपने। आपके लिए स्पेशल फूल लाई हूँ, इसलिए ये है आपके लिए। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? गुलाब के इतने अच्छे अच्छे फूल दिए, मेरे को गोभी का फूल दिया। क्योंकि आप अपने कॉलेज का दिन याद कीजिए। हाँ, तो वो सीक्रेट बता ही दीजिए अब। सबके सामने। सबके सामने। ईमानदार है ना? हाँ, तो बताना पड़ेगा। याद है मेरे को वो दिन जब मैं फाइनल ईयर में था, हमारे साथ हमारे क्लास में एक लड़की पढ़ती थी जिसके साथ मेरी कभी बनती नहीं थी और अक्सर फाइट होती थी। अच्छा। एक दो बार उसके साथ काफी फाइट हुई, मैं बहुत रिवेंज लेने के मूड में था। तो न्यू ईयर वाले दिन हमने एक प्रोग्राम किया और उसमें हमने अपनी क्लास की हर लड़की को बुलाया और उसे एक एक गुलाब का फूल दिया और उसे न्यू ईयर विश किया। और बाद में हमने उस पर्टिकुलर लड़की को बुला के गोभी का फूल दिया जो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, तो आप लोग आपस में बातें कीजिए, मैं इन दोनों को ले जा सकती हूँ, इजाजत है? ठीक है, चलिए ये छोड़ दीजिए यहाँ पे, कोई बात नहीं। चलिए आइए इस तरह। वैसे गोभी के फूल की आइडिया किसने दी आपको? ये आपकी ओरिजिनल थी? अपना आइडिया है।
अपना आइडिया था, मतलब बहुत मिस्चीवियस रहे हैं आप। तो हमारी लड़की को बिल्कुल तंग मत करना और मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जाती हूँ, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, समझे? आप किस तरह का, मतलब अपने आप को, मतलब किस तरह की लड़कियां, कैन यू जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ? अब जैसे मैं फन लविंग, एक्चुअली इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो मुझे मजाक टाइप की हूँ, और बात मतलब मेरे फ्रेंड्स काफी सारे हैं तो उनके साथ घुल मिल जाना, रहने का बहुत शौक है। किसी लड़के को देखती हैं तो आपको मतलब क्या उसमें सबसे मतलब अट्रैक्टिव दिखती हैं उसमें? ऑब्वियसली अभी जब फर्स्ट टाइम किसी को देखते हैं तो पर्सनालिटी ही नजर आती है। पर्सनालिटी में आप क्या देखती हैं, मतलब उसकी आईज अच्छी हैं, नोज उसकी अच्छी होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं हाइट को इम्पोर्टेंस देती हूँ। हाइट को इम्पोर्टेंस? कितनी हाइट? एवरेज हाइट, बहुत टॉल भी नहीं, क्योंकि मेरी भी इतनी टॉल हाइट तो है नहीं, तो एवरेज हाइट तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। और आप लड़कियों में क्या देखते हैं? वो लड़की की, उस लड़की की स्माइल बहुत अच्छी होती है, वो मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है। और शी कीप्स स्माइलिंग, बहुत ज्यादा सीरियस रहती हैं जो लड़कियां, नहीं पसंद है वो, तो वो मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आती, वो डर लगता है उनसे बात करने में। पसंद तो आती है, लेकिन डर लग रहा है बात करने के लिए? नहीं अभी तो नहीं लग रहा, काफी देर हो गई इसलिए नहीं लग रहा। तो आप चाहेंगे कि आपको थोड़ा करियर गर्ल मिले, ऐसा काम करे? हाँ, साथ में? हाँ मैं सोचती हूँ कि जॉब वाली होगी तो ज़्यादा अच्छा है, अभी आज के ज़माने में जो है ठीक रहता है, दोनों करते हैं। क्योंकि क्या, मेरी बेटी शिवानी नौकरी शौकीन के तौर से करती है ना, कि चलो भाई ठीक है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है कुछ ना कुछ करे, और मैंने भी उसको इनक्रेज किया है। और जैसे आपने लिखा है कि आपको इन्फैटुएशंस काफी हुए हैं, नहीं प्रोफाइल में मैंने पढ़ा है, नहीं तो बचपन में होते रहते थे। मैं छोटा था, कभी नहीं हुआ सीरियस, कभी नहीं हुआ 10th 11th में स्कूल टाइम में। कोई भी अच्छी लड़की दिखती थी उसे लाइन मानना चाल, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आप सीरियसली बता रहे हैं मुझे ये सब। तभी तो बता रहा हूं मैं, लेकिन कॉलेज टाइम से फिर वो सब नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? नहीं डिमांड हमारी, डिमांड हमारी कुछ नहीं, अपनी बेटी को देना है आपने, जो भी देना है आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, आप दीजिए मत दीजिए, जो मेरे पास होगा मैं उसके लिए रखूंगी। आप कभी किसी के साथ डेट पे गए हैं? ओह माय गॉड, श्योर? सच्ची? नेवर। और आप? नहीं, श्योर? आप भी? नेवर। कौन है वहाँ, कौन बैठा है? माधुरी जी, तुम पहला क्लास बंक करता था, अभी ऑफिस बंक करके इधर बैठा है, वो भी छोकरी के पास। ओह माय गॉड, और तुम? ओह माय गॉड क्या? जाओ और अपने मम्मी पापा से अपॉलॉजी लेटर लेकर आओ, जाओ, चलो चलो उठो उठो उठो, गो गो गो, और तुम अपना कैलेंडर निकालो, तुमको रिमार्क देने का है कैलेंडर में। मेरे पास कैलेंडर नहीं है अभी। तो याद आई स्कूल की फिर से? अच्छा हुआ याद आ गया स्कूल, याद दिला दिया, अच्छा किया। क्यों? वापस स्कूल लाइफ में जाने का मन कर रहा है। अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम्हें कॉलेज में लड़कियां दिल फेक आशिक क्यों कहती थी? कॉलेज में नहीं कहती थी, तो स्कूल में कहती थी। स्कूल में? हाँ, मतलब बचपन से ही? बचपन से। हमें ये बताओ कि कैसे टाइप की लड़की अच्छी लगती है तुम्हें, कौन सी लड़की ऐसे अट्रैक्टिव लगती है? जब स्कूल और कॉलेज का टाइम था तब पसंद थोड़ी दूसरी थी, थोड़ी। अच्छा, तब कैसी थी पसंद? थोड़ी घूमने फिरने वाली, इस तरीके की लड़कियां ज्यादा पसंद थी। और अब? अब पसंद बदल गई है अभी थोड़ी। क्यों, अब बड़े हो गए हो? थोड़ी घरेलू। अच्छा। इस तरीके की लड़की पसंद है। तो एक ज्यादा स्टेबल रिलेशनशिप के लिए आप? हाँ, स्टेबल एंड लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप्स। अच्छा, अपने लाइफ पार्टनर में क्या ढूंढ रहे हैं क्वालिटीज? लाइफ पार्टनर में मैं सबसे बड़ी क्वालिटी देख रहा हूँ कि वो एक डिसीजन मेकर होनी चाहिए, कि लाइफ में वो कोई भी डिसीजन लेने की उसमें मतलब कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटीज हो, और वो सामने वाले को बोल सके अगर वो लाइफ में कुछ करना चाहती है या उसकी कुछ भी फ्यूचर प्लान्स हैं और उस पर आगे बढ़ सके। अच्छा, अब ये बताओ कि हमारी शिवानी कैसे लगी तुम्हें? मैं शिवानी पसंद आई। ओह,
पसंद आ गई? वेरी गुड, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है. तो ऑल द बेस्ट, विश यू लक. तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आशा करती हूँ कि इसी मंच पर फिर हमारी मुलाकात होगी. Okay, I will hope so. तो I'm sure तुम शिवानी के मम्मी पापा से भी मिलना चाहोगे. सिर्फ मुझसे बातें नहीं, उनसे भी तो बातें करनी है. हाँ, मिलना चाहेंगे. Right? मम्मी पापा से मिलना चाहेंगे और भी जो लोग आए हैं उन सबसे मिलना चाहेंगे. फैमिली से मिलना चाहोगे. ठीक है, तो तुम जाकर मिल सकते हो. ओके. और इसी तरह सबके जिंदगी में रोशनी फैलाते रहना बस. थैंक्स अ लॉट. ओके, सी यू. सी यू, बाय. अंकल, दो लड़कों से आपने खुलकर बात कर ली. जी. हमें ये बताइए कि आपको जो चॉइस मिल रही है यहाँ, हाँ जी, एक सही फैसला करने में क्या मदद हो रही है? जी जरूर. पहले जनरली देखा जाए जितनी ज्यादा सिलेक्शन होए उतना कई दफा कंफ्यूजन हो जाता है. तो अब मामला सुलझाने या क्या पता थोड़ा और उलझाने तीसरा लड़का कौन आ रहा है? हम दोनों ने, रश्मि ने चुना है तीसरा लड़का, ललित चावला. ललित, आपको पता है ललित एक राग का नाम है. वैसे ललित कार रेंट सर्विस का बिजनेस करता है और उसे म्यूजिक बहुत पसंद है. सुन रही हैं? और क्या करते हैं? और क्या करते हैं देखें? श्योर, चलिए. मेरा ट्रैवलिंग का बिजनेस है, मैं कार हायर पे देता हूँ. उसे बहुत शौक है कि बहुत बड़ा आदमी बनना है और बहुत पैसे कमाने हैं. नाउ आई एम हैविंग माय ओन पर्सनल 3 कार्स. तो 5 साल के बाद एटलीस्ट 15-20 तो होनी चाहिए. बचपन में तो नॉटी था बहुत एंड वेरी मिस्चीवियस टाइप. कार ड्राइविंग इज हिज फेवरेट. मूवीज वगैरह का बहुत शौक है. लिसनिंग टू सोबर म्यूजिक. माय फेवरेट सिंगर इज जगजीत सिंह. ट्रैवलिंग उसको बहुत पसंद है. चाइनीज फूड के लिए एवरी संडे ही गोस आउट. आई ऑलवेज फाइंड हिम टू बी वेरी सिंसियर. गेस्ट आएंगे तो बहुत उसको ऐसे के बहुत उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. ट्रू टू हिज फैमिली. या आई एम वेरी क्लोज टू माय मम्मी. And I always like one thing, that he is always positive. So I want a girl who should be very free with everyone. Homely type of My wife should be not my wife, she should be like my friend. तो जरा देखें कि इस वक्त ललित कौन से राग में आलाप ले रहे हैं. Marriages are made in heaven. जिससे मेरी शादी हुई उस लड़की के लिए मैं ये गाना गाऊंगा. देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए. हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन हो रही है. मेरी ही का तुम्हें माधुरी, पता नहीं कौन मिलेगा, दरवाजा खुलेगा जब. तो स्वरों की सरगम लिए आ रहे हैं ललित चावला. हेलो ललित, हाउ आर यू? आई एम फाइन. नमस्ते आंटी जी, आइए आइए. ये हैं ललित की माता जी. नमस्ते. और पिताजी, आइए बैठिए. बैठिए. शिवानी, ये ललित. ललित, ये है शिवानी. हेलो, हाउ आर यू? तो आप लोग आपस में बातें कीजिए, मैं इन्हें ले जाती हूँ अपने साथ. Yes. इजाजत है? जरूर जरूर. चलिए आइए. ये है हमारी जादुई जगह, पता है? बैठो. क्योंकि यहाँ शर्मीले से शर्मीले लोगों की जबान खुल जाती है. तो अब सब आपके ऊपर है और आप झूले पर हैं और झूला. अच्छा ठीक है ठीक है, मैं जाती हूँ. और आपको कैसा लगा ये झूला? झूला तो अच्छा है. तो यू नो कुकिंग? आई नो कुकिंग. आई कैन कुक. एक राजमा है, छोले, चाइनीज डिशेस आल्सो. काफी पहले से ही मैं खाना बनाना जानती हूँ, जैसे स्कूल टाइम से. अच्छा. क्या चाहते हैं, कैसी बहू आए आपके घर? अभी एक ही लड़का है तो मतलब लविंग नेचर की हो, एडजस्टेबल हो. हाँ. तो मेरे को बहू भी ऐसी चाहिए कि लगे नहीं कि बहू है, वो बेटी होनी चाहिए बस. अच्छा, इतनी इच्छा है. किस तरह का लड़का आप देख रहे हो? लाइफ पार्टनर में जैसे बेसिक दो क्वालिटीज जैसे मैं देख रही हूँ, वो होनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग नेचर होना चाहिए, एडजस्टिंग. तो आप इससे पहले कितनी लड़कियों को मिल चुके हैं? मैंने 3-4 लड़कियाँ देखी हैं. वन वॉज मोर क्वालिफाइड देन मी. तो फिर वो मैच नहीं हुआ. ओके. व्हाट अबाउट यू? एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शुएशन? नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ. हाँ? पता नहीं हुआ ही नहीं. आप किस किस्म की वाइफ देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ ऐसी वाइफ मुझे मिले जो
अंडरस्टैंडिंग हो, पेरेंट्स के साथ एडजस्ट कर पाए. आई डोंट माइंड इफ माय वाइफ इज वर्किंग. आजकल लड़कियां इतना पढ़ती हैं और फिर प्लस कोर्स वगैरह करती हैं, तो मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो जॉब करें, पर ये है कि मतलब ललित के आने तक वो घर आ जाए. जैसे आप जाते हैं मंदिरों में? या मंडे को जाता हूँ मैं. अरे यार, व्हाई यू लाफ? आपको क्या लगता है आपके फेस में सबसे अट्रैक्टिव फीचर कौन सा है? एक मिनट, सॉरी. आपकी आंखें, आपकी स्माइल, कुछ तो होगा. आप बताइए ना, आपको क्या लगे? मैं अपनी तारीफ कैसे करूं? आप बताइए, आपको क्या लगा? मुझे तो आपकी आंखें भी अच्छी लगी, आपकी स्माइल भी अच्छी लगी. थैंक यू. राजमा चावल नहीं हमारे पास? और कुछ है? भाई सी लाफ से ज्यादा सो रही है. हाँ, और तो कुछ नहीं चाहिए. खा ले, पी ले, एक चाय पी कर टेबल करके बैठ गया. चल जल्दी करो ना, बाहर बहुत क्राउड वेटिंग है. चलिए चलिए, चलो बाहर जाओ ना. ओ मैडम, चलिए ना, हो गया ना आपका, उठो ना. आप किधर जाते हैं? रूम ही हो, बैठो. बिल भरने का है तुमको, ये लो पैसा, दो बिल भरने का है. मैं देने का? हाँ, इधर. कितना हो गया? कुछ नहीं हुआ, बस बातचीत करनी है. अच्छा. बैठो. हम लोग यही मजाक करते हैं. आई होप आपको बुरा नहीं लगा. नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा. नहीं ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. ओके. अच्छा तो ललित, हमको ये बताओ कि आप तो हैं शिव के भक्त. हाँ जी. और यहाँ मंच पर आपकी मुलाकात हुई शिवानी से, और आपकी कंपनी का नाम है शिवम, तो ऐसे नहीं लगता कि बहुत कोइंसिडेंसेस हो रहे हैं? ये आपकी किस्मत थी कि आप शिवानी से मिलोगे? हाँ, वही है, किस्मत ही थी. कैसे लाइफ पार्टनर आप ढूंढ रहे हो? कैसी लड़की चाहिए आपको? देखो, इस तरह की लड़की चाहिए जो घर पे आके कॉम्प्रोमाइज करे मम्मी डैडी के साथ, हर चीज में एडजस्ट करे. लेकिन आप चाहेंगे कि लड़की हमेशा एडजस्ट करे? नहीं नहीं नहीं, लड़की क्यों हमेशा एडजस्ट करे, हर किसी को एडजस्ट करना पड़ता है. आप बहुत रिलीजियस हैं? हाँ बहुत है. नहीं, ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन मंदिर में बैठा रहता हूँ. अच्छा. नहीं, हम तो ऐसा सोचेंगे भी नहीं. आपको हमारी शिवानी कैसे लगी? मेरे को तो ठीक लगी है. ठीक लगी? क्या ठीक लगा उसमें? क्या क्वालिटीज अच्छी लगी उसकी? मतलब क्या गुण देखे आपने उसमें जो अच्छे लगे आपको, या आपके मन को भा गए? क्या वो भी रिलीजियस टाइप है जैसे मैं हूँ? शी इज वेजिटेरियन, आई लाइक दैट. बल्कि मैं तो खाता हूँ नॉनवेज कभी कभी. अच्छा. मेरे घर पे सब वेजिटेरियन है. अच्छा. वो प्लस पॉइंट है. तो ठीक है, आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऑल द बेस्ट. थैंक यू. उम्मीद करती हूँ कि फिर इस मंच पर हमारी मुलाकात होगी. जरूर. आप चाह रहे होंगे कि मम्मी पापा से भी मिलना चाह रहे होंगे शिवानी के? हाँ जरूर. तो आप जाकर मिल सकते हैं. ओके. ओके, चलो. ओके ओके, बाय. तीनों लड़कों से मुलाकात हो गई. अब है सबसे कठिन सवाल, वो कौन है जो अगली बार आएगा, और जो आएगा क्या उससे बनेगा एक रिश्ता? शायद आप लोगों को शिवानी के लिए कोई रिश्ता जज गया होगा, लेकिन मेरे और आपके पसंद आने से कुछ नहीं होगा. शिवानी और उस लड़के को एक दूसरे में तलाशना है भरोसा, जिंदगी भर का. और वो भरोसा ढूंढने के लिए वो जितनी बार चाहें हमारे मंच के बाहर मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं. देखें शिवानी को कौन जजता है, और क्या उसे शिवानी जजती है या नहीं, जवाब आने वाला कल देगा. तो अगली बार तक के लिए शुभ रात्रि. अगर आपको भी अपनी जीवन साथी की तलाश है, तो बायोडेटा और फोटोग्राफ के साथ हमें इस पते पर लिखें.